हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ज़्यादा फेवरेट कार जो हम सबकी है, दैट इज कैडिलैक एस्केलेड। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मॉडिफिकेशन किया गया है। सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि ये बिल्कुल लेटेस्ट जनरेशन है, तो हम लोग कार को भी एक्सप्लेन करते जाएंगे और जो यहाँ पर मॉडिफिकेशन किया गया है वो कार की कॉस्ट से भी ज़्यादा है। तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर की गई है, क्या क्या चेंजेस यहाँ पर करे गए हैं, उन सबके ऊपर बात करते हैं अब वन बाय वन। सबसे पहले तो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है इसका फ्रंट प्रोफाइल, जो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव बोल्ड लग रहा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमें ऑफर की गई है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये जो मॉडिफिकेशन किया गया है, ये लार्टे नाम की कंपनी है जिसने ये किया है, और इसकी कॉस्टिंग क्या है वो मैं आपको एंड में बताऊंगी। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि पूरा हुड जो है हमारा है, इसको कार्बन फाइबर में डिज़ाइन किया गया है, और ये कार्बन फाइबर फिनिश नहीं है, ये कार्बन फाइबर का ही हुड है, ताकि जो कार का वेट है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए, हमारा परफॉर्मेंस थोड़ी सी और बेटर हो जाए। ये वाला पार्ट भी हमारा कार्बन फाइबर में है, नीचे की जो लोअर स्किड प्लेट है वो भी आपकी कार्बन फाइबर में है। यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको कैडिलैक के अंदर नहीं मिलता। ये कलर यहाँ पर नहीं किया गया है, इस कलर की यहाँ पर रैपिंग की गई है, जो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लग रही है। बैक प्रोफाइल से अगर हम लोग बात करते हैं, तो देखिए बैक में हमारे पास बहुत बिग साइज स्पॉयलर आपको पहले से ही मिलता है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर ये वाला कार्बन फाइबर का पार्ट ऐड किया है, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा बोल्ड आपको लुक दे रहा है। बैक लाइट है, वाइपर नीचे की साइड हमें मिलता है। यहाँ पर इन्होंने लार्टे की बैजिंग फिर से दी है, जो कंपनी ने इसको फुल ऑन मॉडिफाई किया है, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट ये वाला पार्ट आपको लगेगा। फर्दर नीचे मूव करते हैं, हमें यहाँ पर एक कैमरा ये दिया गया है, एक कैमरा आपको ये दिया गया है, एक कैमरा आपका रिवर्स कैमरा है और दूसरा कैमरा आपका रडार के लिए है। लाइट्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यार इसकी जो लाइट्स है उसकी लेंथ आप देख लीजिए, ये वाला पार्ट भी लाइट का ही है और फिर ये वाला पार्ट भी आपका लाइट का है, जो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लगता है, रात के टाइम पे नेक्स्ट लेवल लुक देने वाला है आपको। LC95। फर्दर नीचे की तरफ हम मूव करते हैं, तो यहाँ पर अगेन फाइबर फिनिश इन्होंने दिया है। नीचे का जो पूरा पार्ट है हमारा लोअर बम्पर वाला, यहाँ पर फुल ऑन कार्बन फाइबर का यूज़ किया गया है, लाटे के एग्जॉस्ट का यहाँ पर यूज़ किया गया है, और ये जो चारों एग्जॉस्ट हैं आपके, चारों ऑपरेशनल हैं, कोई भी इसमें से फेक नहीं है। यहाँ पर आप ओपनिंग देखेंगे तो दो तरीके से आप इसे ओपन कर सकते हैं। एक पार्ट आपका ये है जो ऊपर की साइड से है, कोई छोटा मोटा सामान आपको यहीं से निकालना है वो भी आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इस तरीके से ओपन करेंगे। पावर्ड टेल गेट यहाँ पे ऑफर किया जाता है। अंदर के साइड में फुल ऑन थीम चेंज किया गया है कार का, जैसे एक्सटीरियर को पूरा चेंज किया है ऐसे इंटीरियर में भी बहुत सारे चेंजेस आपको सबसे पहले ये दिखाई दे रहा होगा, ये मैट वगैरह इन्होंने लगा दिए हैं। ये सारे कंट्रोल्स आपको बेसिक कार में मिलते ही हैं पहले से, न्यू जनरेशन में मिलेंगे ही मिलेंगे। लेफ्ट और राइट सीट को मूव कर सकते हैं आप आगे वाली अपनी। यहाँ पर आपको 250 वॉट्स का सॉकेट दिया गया है। यहाँ पर आपके पास छोटा सा स्टोरेज दिया गया है, इसके नीचे कुछ नहीं है, और जो स्पेयर टायर है आपका वो आपको कार के नीचे दिया गया है, जो कि आपका फुल साइज टायर है। अब यहाँ पे स्पेस देखिए, ये जो कार है हमारी, दिस इज 6 सीटर बेसिकली, आप इसे 7 बोल लीजिए पीछे अगर 3 जने बैठना चाहते हैं तो। उसके बावजूद भी यहाँ पर हमारे पास बहुत ही ज़्यादा जगह है, बहुत स्पेस है, बहुत जगह है। कार के डायमेंशन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इस कार की जो लेंथ है वो है आपके अराउंड 5.7 meters, कार की जो हाइट है वो आपके अराउंड 2.4 है, और आपके जो ब्रेथ है वो भी आपकी अराउंड 2.3 है, तो मतलब बहुत अच्छी खासी लंबी चौड़ी गाड़ी है। और आप देख सकते हैं भैया कितनी ज़्यादा ऊंची है ये। व्हील बेस की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको 3 meter का व्हील बेस ऑफर किया जाता है, और जो कार में ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर की गई है दैट इज़ ऑफ 203 mm, लेकिन यहाँ इस कार के अंदर लिफ्ट किट लगा है, जिसके बाद इस कार की जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसको इनक्रीज कर दिया गया है टिल 313 mm। चलिए अब चलते हैं कार के इंटीरियर में। सबसे पहले तो जैसे आपने इसको ओपन किया, आपके स्टेप पैडल आ गए, आप आराम से कार के अंदर एंटर कर जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा सुपर कंफर्टेबल सिटिंग है, मैं बोलूँगी यहाँ पे ओवर कुशनिंग कर रखी है यार, मतलब बैठते ही मज़ा आ गया है, सीरियसली बहुत 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 कंफर्टेबल सीट्स हैं। और अब जो ये हमारी सीट्स हैं, ये आपको बता देते हैं कि कैडिलैक में आपको ऐसा सेटअप नहीं मिलता है, ये मॉडिफिकेशन का ही पार्ट है जिसमें सब चीज़ें बदली गई है, सीट्स को बदला गया है, एक कुछ यूनिट्स यहाँ पर ऐड की गई हैं, जो आपके मल्टीमीडिया स्क्रीन आते हैं कैडिलैक में उसको भी चेंज किया गया है। यहाँ पर जो ये यूनिट आपको दी गई है, ये प्रॉपर आपके सीट की सेटिंग के लिए, और ये कंट्रोल दोनों पैसेंजर्स के लिए है।
इस साइड वाले पैसेंजर के लिए भी और उनके लिए वहाँ पे वो स्क्रीन दिया गया है। आप यहाँ पे सीट वेंटिलेशन ऑन कर सकते हैं, हीटिंग कूलिंग सेट कर सकते हैं, अपनी मेमोरी सीट सेट कर सकते हैं, ये सारे कंट्रोल आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं। और आपको अपनी सीट को मूव करना है तो देखिए मैं इसको स्लाइड कर रही हूँ तो मेरी सीट आगे जा रही है, मुझे पीछे जाना है, मुझे बैक रेस्ट को मूव करना है फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये मैं इस तरीके से कर सकती हूँ। आपको थाई सपोर्ट इंक्रीज़ करना है वो भी आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है। और आपको इसको फुल ऑन अगर रिक्लाइन करना है तो देखिए आपके पास कंट्रोल्स यहाँ पर भी दिए गए हैं। पूरी मैंने सीट रिक्लाइन कर ली और अब मैं इसको पूरा अपने रिक्लाइनर में कन्वर्ट कर रही हूँ फॉर द लॉन्ग ड्राइव, तो मैं इस तरीके से आराम से बैठ के जा सकती हूँ। बर्मिस्टर का म्यूज़िक सिस्टम इस कार में यूज़ किया गया है और 36 स्पीकर्स लगे हुए हैं यहाँ पर, तो मतलब म्यूज़िक में तो भैया आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। सेंटर में आपको एसी कंट्रोल यूनिट दी गई है, उसके नीचे आपके पास ट्विन कप होल्डर है। पीछे के साइड जाने के लिए बहुत इजी आपके पास पैसेज, आप साइड सेंटर से भी जा सकते हैं या फिर आप अपनी सीट को फ्रंट में मूव करके इन सेटिंग्स की हेल्प से आपकी सीट पूरी आगे चली जाएगी और फिर पीछे जा सकते हैं। और पीछे के साइड बहुत ज़्यादा स्पेस है आपके पास, बहुत कम्फर्टेबली बैठ पाएंगे। नीचे के साइड में आपको ट्विन कप होल्डर मिलता है, उसके जस्ट नीचे आपके पास दो टाइप सी पोर्ट्स दिए गए हैं। ऊपर के साइड में आपको यहाँ पर स्टार लाइट दी गई है और पैनोरामिक सनरूफ ऑफर किया जाता है इस कार के अंदर। यहाँ पर आपका लेदर का यूज़ किया गया है, रेड स्टिचिंग यूज़ की गई है। यहाँ पे वुड फिनिश आपको मिल जाती है, सिल्वर में आपको ये लाइनिंग दी गई है और ये है आपका अल्कंटारा। नीचे के साइड में हमारा स्पीकर है, ऊपर के साइड में आपका ट्विटर दिया गया है। अगेन यहाँ पर लेदर का यूज़ किया गया है। कार में मैक्सिमम जगह पर आपको लेदर या सॉफ्ट टच मिलेगा, बाकी प्लास्टिक का यूज़ कहीं पर भी नहीं किया गया है। और ये सारा पार्ट मॉडिफिकेशन का ही पार्ट है, ये कंपनी के साइड से आपको इस तरीके से नहीं मिलता। जो आपका स्क्रीन है जो आपको मैं अभी दिखा रही थी, ये आपका इस तरीके से टिल्ट हो जाता है, आप इसको इस तरीके से टिल्ट कर सकते हैं। सीट के डिज़ाइन की भी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको इस तरीके से थोड़ी डिज़ाइनिंग को दिया गया है जिसकी वजह से कार काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लग रही है। कार के फ्रंट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको 35 इंच का OLED स्क्रीन दिया गया। OLED आपने आजकल देखा होगा तो आपको फ़ोन वगैरह में तो मिलता ही, आजकल TV में भी आने लग गया है, वो स्क्रीन आपको दिया गया जो काफ़ी कॉस्टली होता है। यहाँ पर आपका इंफोटेनमेंट यूनिट है, काफ़ी सारे कंट्रोल्स आपको दिख जाते हैं, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। एम्बिएंट लाइट आप चेंज कर सकते हैं, आपके पास कैमरा का कंट्रोल यहाँ पर दिया गया है, 360 डिग्री कैमरा यहाँ पर यूज़ किया गया, अलग अलग एंगल से आप उसको देख सकते हैं, ऐप्स को ऑपरेट कर सकते हैं, एप्पल कारप्ले वगैरह को सपोर्ट करता है ये, बाकी एलेक्सा सपोर्ट करता है ये। नीचे के साइड में हमें एसी कंट्रोल यूनिट दी गई है, 4-zone एसी का यहाँ पर यूज़ किया गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं तो फुल ऑन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलता है, बहुत स्मार्ट डिस्प्ले के साथ है, बहुत कलरफुल डिस्प्ले के साथ है, जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपकी स्पीड क्या है, आपका RPM क्या है, आपकी एवरेज क्या है, और जैसे इस टाइम पर इसका रियर गेट ओपन है, कोई आपका ग्लास ओपन है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत क्लियरली पता चल जाएगी, कितना आपकी फ्यूल बचा है, 2-wheel ड्राइव में आपका 4-wheel ड्राइव में एंगेज है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाती है। यहाँ पर भी एक छोटा सा स्क्रीन का पार्ट है जिसमें आपका डिस्टेंस, आपकी एवरेज और यहाँ पे आपको ट्रिप अपना जीरो पे आप सेट कर सकते हैं, होल्ड टू रीसेट बोल लीजिए उसे, और हेड्स अप डिस्प्ले को भी आप यहाँ से एंगेज कर सकते हैं। हेड्स अप डिस्प्ले इसके अंदर सामने दिख रहा है, जैसे कोई बंदा आएगा ब्लैक ड्रेस में तो आपको दिख जाएगा। एडास की वजह से आपको काफ़ी सारे फंक्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। 10-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का यहाँ पर यूज़ किया गया है। इस साइड में आपके पास ट्विन कप होल्डर है, टाइप सी USB पोर्ट, छोटी सी जगह यहाँ दी गई है, ये फिनिश वुडन आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, ये आपको यहाँ पर भी दी गई है, सामने डैशबोर्ड प्रोफाइल पर भी दी गई है, हर जगह सॉफ्ट टच का यूज़ किया गया, अल्कंटारा का यूज़ किया गया है, लेदर का यूज़ किया गया है, कहीं पर भी कार में प्लास्टिक नहीं है। सेंटर में देखते हैं तो यहाँ पर बहुत बड़ा स्टोरेज आपको मिल जाता है जिसके अंदर आपके पास टाइप सी USB एंड 12-volt चार्जिंग सॉकेट है, बाकी ये हमारी ट्रे डिटैचेबल है, आप इसको हटा सकते हैं। उसके बाद आपके पास बहुत ज़्यादा जगह है नीचे की तरफ। ग्लव बॉक्स जो हमारा है वो आपको लॉक मिलता है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिया गया है। और लाटे डिज़ाइन एस्थेट 1/95 ये इन्होंने अपना नाम दिया है इसको, और ये कंपनी का नाम है, बाकी वो डिज़ाइन का नाम है। ड्राइव मोड्स की बात करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, जैसे आपके पास टूर, स्पोर्ट, ऑफ रोड, टो एंड माई मोड। माई मोड कस्टमाइज्ड है जो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें सेट कर सकते हैं, जिसमें आपकी जो स्टेयरिंग है, सस्पेंशन है, वो सब सेटिंग आपके अकॉर्डिंग हो जाएगी जैसा भी आप चाहते हैं। यहाँ पर ये जो आपको दो एरो दिखाई दे रहे हैं, 2 और 4 हाई जो आपकी तरफ आपको सिग्नल दिखाई दे रहे हैं, 2 हाई में आपका
टू व्हील ड्राइव है और फोर हाइव में आपका फोर व्हील ड्राइव है। कार के इंजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर 6.2 लीटर V8 इंजन का यूज़ किया गया है जो आपको पावर देता है 682 हॉर्स पावर और आपको टॉर्क जो मिलता है दैट इज़ अमेजिंग, वो है आपका 885 न्यूटन मीटर, जो मुझे लगता है यार इतने बड़े साइज़ की कार के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। अगर ये थोड़ा छोटा इंजन होता, कम सिलेंडर लगे होते, कम पावर टॉर्क आपको मिल रहा होता, फिर तो लगता है इसको घसीट रहे हैं गाड़ी को। लेकिन यस, बहुत पावरफुल कार है। जितनी ज़्यादा देखने में बल्कि और अग्रेसिव ये कार लगती है, उतनी ही खतरनाक डायनेमिक इसकी परफॉर्मेंस है। आप कार के प्राइस की अगर बात करें तो देखिए, ये कस्टमाइज करा सकते हैं व्हीकल आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो इस कार का जो प्राइस है वो आपका शुरू जाता है 65 लाख से एंड इट गोज़ अप टू 90 लाख। हम US डॉलर की बात कर रहे हैं, अमेरिकन कार है तो वहाँ के प्राइस की मैं बात कर रही हूँ। अब जो मॉडिफिकेशन इसके अंदर हुआ है, ये पूरा मॉडिफिकेशन करके इनसाइड आउटसाइड वो सारी कॉस्टिंग मिला के इस गाड़ी का जो प्राइस आता है दैट इज़ 3.45 करोड़। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 2.5 करोड़ का मॉडिफिकेशन किया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बना रहा है इस कार को। और मतलब वर्ड्स नहीं है कार की ब्यूटी के लिए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। लेकिन हाँ, इतना सुंदर व्हीकल लेने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। बट यार 2.5 करोड़ का मॉडिफिकेशन मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि ठीक है, बहुत अच्छा किया है, लेकिन 2.5 करोड़ बहुत ज़्यादा है। आप क्या कहते हैं बताना मुझे कमेंट्स में। चलिए फिर मिलेंगे दोबारा नेक्स्ट वीडियो में।